स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, मतलब कि विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ चलिए, इससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हीट रेडिएशन को शुरू किया था, और हीट रेडिएशन और उसके अंदर मैंने आपको एक्स्ट्रा में परफेक्ट ब्लैक बॉडी करवाया था। वो हर एक चीज आपको यहाँ पे काम आ जाएगी, बिकॉज ये जो थियरी आप लोग स्टडी कर रहे हो वो आप लोग हीट रेडिएशन के अंदर ही स्टडी कर रहे हो, ठीक है? इट इज द पार्ट ऑफ हीट रेडिएशन। ओके, तो चलो हीट रेडिएशन को अगर हम लोग फास्ट रिवाइज करें, हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो सन में से यहाँ पे हीट पहुंच रही है, या तो आपके दूर कोई फायर होगा तो फायर में से आपको यहाँ पे दूर हीट महसूस होगी, तो उसका रीजन क्या है भाई? सन में से जो यहाँ पे हीट पहुंच रही है वहां पे तो कोई मीडियम ही नहीं है ना, तो विदाउट मीडियम भी हीट हमारे तक पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली उससे आप लोग हीट कंडक्शन तो नहीं बोल सकते, हीट कॉन्वेक्शन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हीट कंडक्शन में तो मीडियम चाहिए होगा, हीट कॉन्वेक्शन में कोई पार्टिकल्स चाहिए होंगे, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी यहाँ पे हीट पहुंच रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसे अलग से क्लासिफाई किया एंड दैट इज कॉल्ड हीट रेडिएशन, ठीक है? कि वो रेडिएशन के फॉर्म में पहुंच रहा है, और ऐसा कौन सा वेव है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती, दैट वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसे बताया गया कि भाई हीट रेडिएशन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हो रहा है, और देर आर सेवन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड यू विल स्टडी इन डिटेल इन योर 12th स्टैंडर्ड इन चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, फिर हम लोगों ने बात की थी भाई कि हीट रेडिएशन की अंदर जो हीट हमारे तक पहुंचेगी उसके लिए हम लोगों ने क्या बात की कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तो हीट रेडिएशन नहीं करता हो। किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी दुनिया की बॉडी क्या करेगी, हीट को रेडिएट करती होगी, और वो कैसे रेडिएट करती होगी, अपने टेम्परेचर के मुताबिक। उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो कम हीट रेडिएट करेगी, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा रेडिएशन करेगी, और वो रेडिएशन दूर तक जाएगा। इसलिए अगर ज्यादा फायर का टेम्परेचर होगा तो आपको ज्यादा दूर तक हीट क्या होगी भाई, महसूस होगी। फायर का टेम्परेचर कम होगा तो आपको कम दूरी तक हीट महसूस होगी, ज्ञान से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? तो उस कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था भाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं? उसे ब्लैक ब्लैक कलर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच विल एब्जॉर्ब ऑल द टाइप्स ऑफ एमिशन, ऑल द टाइप ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ही, जितना भी उस पर आप लोग कोई भी रेडिएशन करोगे वो हर एक रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसे फिर क्या करेगा, अपने वेवलेंथ के मुताबिक, अपने टेम्परेचर के मुताबिक उसे एमिशन करेगा, ठीक है? तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का रिफ्लेक्शन अगर पूछा जाए तो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है? वो सब बातें हमने की थी। फिर हम लोग ने बात की थी कि भाई जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एमिशन भी करेगा, जो कम एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? और वो कम क्या करेगा, एमिट करेगा। जितने जिसने जितना कम एब्जॉर्ब किया उतना वो कम क्या करेगा, एमिट करेगा, और वो कम एब्जॉर्ब कब करेगा, जब उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर बॉडी होगी तो वो एब्जॉर्ब भी कम करेगा तो एमिट भी कम करेगा, और उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि ब्लैक बॉडी होगी, ब्लैक कलर या तो ब्लैक बॉडी, तो वो क्या करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो ज्यादा एमिट भी करेगी, ठीक है? वो सब चीजें हमने डिस्कस की। चलो आज हम लोग उसी हीट रेडिएशन के लिए विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लॉ है। मैं आपको इंटरेस्ट के साथ या तो अलग अलग ऐसे लाइव एग्जांपल देके आगे बढ़ाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और बुक में नहीं बताया होगा कि वाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लॉ। हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि भाई इस लॉ को डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों बोला जाता है, ठीक है? तो उसका भी डाउट या उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे सोल्व किया हुआ मिल जाएगा। चलिए एकदम शांति से, एकदम धीरे से अगर हम लोग आगे बढ़े तो सिंपल सी बात है कि किसी भी बॉडी में से, मैं अभी डिस्कस किया ना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते होंगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होंगी, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है?
एवरी बॉडी विल एमिट रेडिएशन, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, जो रिविजन हमने किया था वही आपको काम आएगा. एवरी बॉडी विल एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि विंग डिस्प्लेसमेंट लो का नाम आपको सुनने मिले तो आप लोगों को एक ही चीज याद रखना होगा, वेवलेंथ इन टेम्परेचर. इसमें टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन दिया वो पूरे 11th में 12th में आप लोग जो समझो वो ये एक ही ओनली यूनिक रिलेशन है, बहुत ही यूनिक रिलेशन है कि आप लोगों को प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि किसी भी चीज को आप लोग गर्म करते हो तो उसका रेड कलर, उसका ब्लू कलर, उसका येलो कलर, उसका ग्रीनिश कलर, उसका रेडिश कलर, उसका येलो कलर, ठीक है, उसका ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उसका व्हाइट कलर जो आपको दिख रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? तो ये कंसेप्ट जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में विंस ने हमें बताया, ठीक है. तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को 9th से स्टडी कर रहे हो कि आप लोगों को जो कलर दिख रहा है एनी कलर यू कैन सी राइट, उसके पीछे एक ही रिस्पॉन्सिबल रीजन है, उसकी वेवलेंथ, ठीक है. जो कलर आपको दिख रहा है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से आपको वो अलग अलग कलर दिख रहा है. तो थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो मैं आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है. तो क्या करेगा भाई, एवरी बॉडी विल एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मतलब समझते हो कि वेवलेंथ का बना हुआ एक बैंड जिसमें कम से लेके ज्यादातर हर एक वेवलेंथ उसमें शामिल होंगी. तो थोड़ा दिमाग करे, मैं आपको उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग टेक्स्ट बुक में एक बार टिक कर लेना, ठीक है. कि आपने कभी सोचा भाई कि कोई भी बॉडी चलो आपको रेड दिखेगी तो ज्यादातर आपको रेड ही दिखेगी या तो थोड़ा ऑरेंज दिखेगी, वो आपको ब्लू नहीं दिखेगी. तो रेड कलर जिस पार्ट में से आपकी आंख में आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि रेड कलर के जो कोरेस्पॉन्ड में जो वेवलेंथ होगी वो आपकी आंख में आएगी, इसलिए वो आपको रेड दिख रहा है, ठीक है. तो आपने कभी सोचा कि भाई उसमें से मैंने अभी लिखा ना यहाँ पे, ठीक है, उसमें से वेवलेंथ सिर्फ रेड नहीं निकलता होगा भाई, उसमें से तो हर एक वेवलेंथ निकलता होगा, तो सिर्फ आपको रेड ही क्यों दिख रहा है? तो उसमें से जो जितना वेवलेंथ निकलता होगा उसमें से पर्टिकुलर जो रेड कलर का वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, उसका अमाउंट ज्यादा होगा जो आपकी आंख में आएगा, तो आपको ज्यादातर रेड दिखेगा, ठीक है. उसमें से हर एक कलर की वेवलेंथ निकलती होगी लेकिन ज्यादातर जो वेवलेंथ होगी भाई वो उसका अमाउंट फिक्स होगा. तो वो मैं नेक्स्ट पॉइंट वो लिखने जा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को नहीं समझ पाता, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया एकदम इजीली समझाने के लिए कि वो तो फिक्स ही है कि जो कलर आप लोग देख रहे हो वो तो पर्टिकुलर एक ही कलर होगा या तो उसके रिलेटेड नियर का कोई कलर होगा. आपको एक साथ चार पांच कलर क्यों नहीं दिख रहे? यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है ना कि वो तो हर एक वेवलेंथ को छोड़ेगा अपने में से, हर एक वेवलेंथ एमिट करेगा, तो आपको बारी बारी हर एक कलर दिखना चाहिए ना. तो आपको तो कोई एक या दो ही कलर दिखते हैं, उसका मतलब क्या हुआ भाई कि हर एक वेवलेंथ के अंदर उसका एक फिक्स अमाउंट होगा जो ज्यादा होगा जो आपकी आंख में आएगा, और जो ज्यादा अमाउंट होगा वो आपको दिखेगा. सिंपल सी बात हो गई. चलो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट वही लिख रहा हूं, इन विच मैंने जो बताया वही मैं डिस्कस यहां पे करके लिख रहा हूं, ठीक है. इन विच पर्टिक्यूलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज विल बी मोर. कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होंगी भाई जिसकी अमाउंट पर्टिकुलर क्या होगी, ज्यादा होगी, बाकी की अमाउंट कम होगी. इससे ज्यादा अमाउंट जो आपकी आंख में आएगी वो कलर आपको दिखेगा, ठीक है. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट. अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में शायद एग्जाम्पल दिया हो ना दिया हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है. चलो भाई टेम्परेचर के मुताबिक कौन सी वेवलेंथ निकलेगी ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है. इसलिए वो डेटा है तो मेरे को या तो मुझे या तो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ उसको ध्यान में रखना है. चलो तो एक ब्लैक बॉडी दी गई है,
ठीक है, मैं आपको उसका डेटा बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए। डेटा देखोगे तो आपको आपको पूरा थियोरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक ब्लैक बॉडी दी गई है। चलो उस ब्लैक बॉडी का जब टेम्परेचर, देखना उस ब्लैक बॉडी का जब टेम्परेचर, अब हम लोग इस लॉ के स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्या कंसेप्ट है ये। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई क्या हो रहा है। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जब 300 केल्विन था, उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मैं लिख के बता रहा हूँ एग्जैक्टली डेटा उसका। ठीक है, हाँ 1100 केल्विन था। देखिए ये सिर्फ समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिकल बात हो रही है। ठीक है, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जब उसने 1100 केल्विन कर दिया 300 केल्विन में से, तो क्या हुआ देखो। जब उसने टेम्परेचर 300 केल्विन रखा था ब्लैक बॉडी का, तो उसमें से अराउंड 95,500 के अराउंड में एंगस्ट्रॉम, ठीक है, अराउंड में उसमें से वेवलेंथ एमिट हो रही थी, वेवलेंथ एमिट हो रही थी। और ये जो वेवलेंथ का जो रेंज है, उसका जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड के अराउंड है। चलो मैंने बताया था ना भाई, इंफ्रारेड भी किस में आएगा बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आएगा ना भाई, तो इंफ्रारेड वेव उसमें से निकलेगा 300 केल्विन। अब थोड़ा दिमाग चलाइए भाई, आपका ध्यान नहीं है। देखो 300 केल्विन मतलब मेरे भाई अराउंड 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ यार, ये रूम टेम्परेचर हुआ। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी ही बॉडी का मैंने दिया, कि आपकी बॉडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करती है। कौन सा? इंफ्रारेड। तो देखिए आपकी बॉडी 300 केल्विन तो होगी ना, आपका सराउंडिंग भी 300 केल्विन तो होगा, तो उसमें से इतनी एनर्जी, इतनी वेवलेंथ निकलेगी जो उसने प्रैक्टिकली प्रूफ की। और उसकी वेवलेंथ का जो रेंज था वो इंफ्रारेड वेव की रेंज में आ रहा था, इसलिए उसने बताया कि इस बॉडी में से इतना वेव निकला। ठीक है, सामने की ओर जब उसने देखा भाई, कि जब उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब बहुत ही मस्त कंसेप्ट आएगा जिससे इसका स्टेटमेंट डिसाइड होगा। अब ध्यान रखना भाई, तो उसे यस उसे 1100 जब टेम्परेचर किया, तो उसे उसके मुताबिक रेड कलर मिला। ठीक है, हाँ यहाँ पे उसकी वेवलेंथ नहीं बताई गई, लेकिन आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो कि मेरे भाई ये रेड कलर कब मिलता है। चलो रेड कलर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, इंफ्रारेड यू कैन नॉट सी, बट इट इज द रेड कलर, रेड कलर यू कैन सी। तो याद कीजिए, आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, 9th 10th 8th में आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई विजिबल लाइट का रेंज क्या है। अराउंड मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 4000 से लेकर 7 to 8000, तो वो तो पक्का हो गया। ये रेड कलर का वेवलेंथ, जितने भी हम लोग कलर देख पाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है रेड कलर का, इसका वेवलेंथ अराउंड कितना होगा, 6 से 7000 होगा अराउंड एंगस्ट्रॉम। तो मेरे भाई क्या हुआ देखो, आप लोग जब आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, इसका वेवलेंथ देखो 95000 में से डायरेक्ट क्या हो गया रेड कलर, मतलब अराउंड 4000 to 7000, तो ये कम हो गया मेरे भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर, जब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो आप लोग क्लियर देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे उसका वेवलेंथ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, जो उसने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया, उसका वेवलेंथ डिक्रीज हुआ। दैट मीन्स कि ये जो वेवलेंथ आपको दिख रही है, जो कलर और जो टेम्परेचर आप लोग उसे प्रोवाइड कर रहे हो, वो दोनों क्या हुए मेरे भाई, रेसिप्रोकल हो गए ना, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। फिर उसने ग्राफ बनाया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना उसका, उसने ग्राफ बनाया। वो ग्राफ को आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है भाई, वो एकदम बुरा बुरी तरह से दिया हुआ है, वो ओरिजिनल ग्राफ नहीं है। आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक ही ग्राफ, एक ही टाइप का ग्राफ देखने मिलेगा, अलग अलग डेटा होगा लेकिन ग्राफ का लुक एक ही होगा। तो मैं वही ग्राफ आप लोगों को ऑलराउंडर ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखना, तो जो सही ग्राफ है भाई वही मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ये ग्राफ कौन सी क्वांटिटी के सामने होगा देखो, चलिए रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया डेफिनेशन भी मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, पर यूनिट
जिसको बोल सकते हो आप लोग, कुछ चीजें बुक में नहीं बताई होंगी, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करके बताऊंगा, ठीक है? तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसी पावर। मेरे भाई जैसे ही आपके कान में स्पेक्ट्रम या तो स्पेक्ट्रल वर्ड जाए, तो आपको एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ, ठीक है? वेवलेंथ का एक रेंज होना, जिसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है, स्पेक्ट्रल उसे बोला जाता है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। उसके ऑपोजिट उसने ग्राफ बनाया कौन सी चीज के लिए भाई? उसकी वेवलेंथ के लिए। जो वेवलेंथ क्या थी? एंगस्ट्रोम में थी। अब एकदम सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको डेफिनेशन समझ में ना आया तो छोड़ दीजिए, वो तो मैं अभी करवा रहा हूं ना बाद में, लेकिन पावर का मतलब क्या हुआ यार? कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, एकदम शांति से सोचे, उतना उसका पावर, उतना उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा रेडिएट होगा। उसके सामने हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो अभी हमने डिस्कस की, तो उसने ऑब्जर्व किया, वही मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में अलग तरह से दिया हुआ है उसको, ठीक है? मत ऑब्जर्व करना, आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो खास ध्यान रखना भाई, डिस्प्लेसमेंट क्यों कहलाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके बताऊंगा इसी ग्राफ की मदद से, ठीक है? चलो, जब उसने 6000 केल्विन के लिए, ये तो एग्जाम्पल है, अलग अलग आप लोग डेटा ले सकते हो, ठीक है? 6000 केल्विन के लिए, 6000 केल्विन के लिए जब उसने ग्राफ बनाया, तो उसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिला, ठीक है? यहाँ पे जो आप लिख सकते हो मैक्सिमम पावर, मैंने बताया था ना, किसी एक ही रेंज में आपको मिलेगा, इस लाइन में मैंने लिखा था, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलिए, उसने टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज किया, ठीक है? तो उसे मैक्सिमम पावर थोड़ा यहाँ पे मिला, देख लो आप, जैसे वेवलेंथ इंक्रीज किया उसकी बात हो रही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें, चलो, और भी उसने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। यहाँ पे टेम्परेचर रखा था उसने 5000 केल्विन, ठीक है? यहाँ पे उसने रखा था 3000 केल्विन, ओके। आपको थोड़ा शिफ्टेड बताना है इसे, ओके। थर्ड ग्राफ मैंने क्या बताया भाई? यहां से आप लोग थोड़ा और भी शिफ्टेड बताओगे, ठीक है? तो उसका पावर इसको यहां पे मिला मैक्सिमम पावर, वहां पे टेम्परेचर था 4000 केल्विन। और भी जब उसने टेम्परेचर को डिक्रीज किया इस तरह से, देखो, तो उसके मुताबिक उसे मैक्सिमम पावर मिला, ठीक है? और भी अगर हम लोग बात करें, देखो इस तरह से, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे अलग अलग जो आपको वेवलेंथ मिल रहा है, यू कैन सी, देखो कुछ चीजें बुक में नहीं बताई गई, मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ठीक है? इसका जो आप लोगों को मैक्सिमम वेवलेंथ के सामने जो पावर आपको मिल रहा है, वही पावर आपकी आंख में आएगा जो आपको देखेगा। यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है λ₁ m₂, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, यू कैन सी, λ₁ m₃। यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है λ₁ m₄। यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है λ₁ m₅। ये क्या हो रहा है भाई? देखो आप, यू कैन सी कि जैसे जैसे उसने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, या तो उल्टा भी सोच सकते हो कि जैसे जैसे उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उसकी वेवलेंथ क्या हुई? कम होती गई। मैंने बताया था ना, रेसिप्रोकल होगा। मैंने आपको ये समझाने के लिए दो एग्जाम्पल दिए, ओके, और एक आपका ग्राफ। देखो, 3000 पे जो वेवलेंथ मिल रही है λ₁ m₅, उससे 4000 पे वेवलेंथ, देखो इस साइड होगी ना, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई, λ₁ m₄ ऑब्वियसली क्या होगी, यहाँ से मेजर कीजिए, कम होगी। λ₂ m₃ उससे भी कम होगी, λ₂ m₂ उससे भी, और λ₂ m₁ उससे भी कम होगी। तो मैं आपको मस्त तरह से, चलो, ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि ओके, टेम्परेचर उसने इंक्रीज किया ना, यहाँ पे सपोज टेम्परेचर था T5, ओके T4, इसका टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं, लास्ट का T5, ठीक है? यहाँ पे था T3, यहाँ पे T2, और यहाँ पे T1, ओके, रेडी है। तो चलो, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, यस, हाँ, इसे हम लोग कंपेयर करेंगे क्या हो रहा है। देखो कि T5 आपको क्लियर दिख रहा है, देखो T5 सबसे कम टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा T4 है,
उससे ज्यादा T3 है, उससे ज्यादा T4 है, सबसे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर है? T1। उसके सामने आप लोगों को वेवलेंथ क्या मिला है? देखो, जब टेम्परेचर कम था तब आप लोगों को वेवलेंथ ज्यादा मिला, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करने में इजी रहेगा। लेमड़ा ऑफ M5, लेमड़ा ऑफ M4, लेमड़ा ऑफ M3। एम मतलब क्या होगा? मैक्सिमम। यू कैन सी इससे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ भाई, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे उसका वेवलेंथ कम होगा, और उस वेवलेंथ के मुताबिक आपको उसका कलर दिखेगा। ओके, अब जहां से हम वहां पे हम रिपीट रिटर्न हो जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हमने अब जगह बचा के रखी थी, ठीक है? क्या होगा देखो, द रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम एनी बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी डेफिनेशन काम आएंगे, ठीक है? पर यूनिट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसी पावर। नाम जैसा काम है, समझ में आ रहा है? एमिसी मतलब जो अपने में से एमिट करेगा वो कितना पावर एमिट करेगा। रेडी, चलिए हो गई इसकी डेफिनेशन। रेडिएट एनर्जी जहां पे भी लिखा हुआ है, देखो, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसी पावर। इसका डेफिनेशन हो गया कि वो कितना अपना जो एरिया, चलो इतनी बड़ी बॉडी होगी फॉर एग्जाम्पल, उसे आप लोगों ने गर्म किया तो उस बॉडी के यूनिट एरिया किसको बोलते हैं? एक यूनिट एरिया, अब पर्टिकुलर उसका यूनिट एरिया ले लो, उसमें से वो पर टाइम कितना वेवलेंथ, कितना एनर्जी रेडिएट करता है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? उसका खुद का एमिसी पावर, वो कितना अपने पर्टिकुलर एरिया में से एमिशन कर रहा है, ठीक है? चलो, ये हो गया आपका कंसेप्ट। इसकी मदद से क्या हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको स्टेटमेंट बना सकते हैं कि नहीं? कौन सा? तो कि सिंपल सी बात है, ये टेम्परेचर और उसका वेवलेंथ दोनों क्या है? उसके रेसिप्रोकल में होंगे, ठीक है? तो हाँ, टेम्परेचर ऑफ रेडिएटेड बॉडी जिसमें से रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रेडिएटेड बॉडी इज, हाँ उल्टा लिखेंगे ना भाई, ओके, वेवलेंथ ऑफ रेडिएटेड बॉडी, वेवलेंथ ऑफ, हाँ वेवलेंथ ऑफ रेडिएटेड बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब ये इनवर्सली क्यों है वो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल्स दिए, ठीक है? देख लो आप लोग, दोनों में वो इनवर्सली रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो अपने टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वेवलेंथ को रेडिएट करेगा, और वो वेवलेंथ आपके आंख में जाएगी और आपको उस हिसाब से कलर दिखेगा। ओके, चलो भाई, जिसका मैं लॉ लिख रहा हूँ, मतलब उसका स्टेटमेंट, कि मैंने क्या बताया भाई, उसका जो वेवलेंथ होगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलो दिमाग चलाइए, टी कहाँ बजेगा? ऊपर की ओर। और जब आप लोग प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करोगे, आप लोगों को क्या रखना होगा? एक कॉन्स्टेंट रखना होगा, ठीक है? लेमड़ा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज विंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट। और उसकी वैल्यू होगी भाई, वो आपको ज्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2.9 अराउंड। चलो आप लोग कैश बुक में उसकी वैल्यू टिक कर लेना, ठीक है? उसकी वैल्यू होगी यस 2.9, सी 2.9 इंटू 10^-3। हाँ, उसका यूनिट क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना एमसीक्यू में, यूनिट में। उसका यूनिट क्या होगा? लेमड़ा मतलब वेवलेंथ, इट इज वन टाइप ऑफ डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। और टेम्परेचर का क्या होगा भाई? केल्विन, मीटर केल्विन, इसे मिली केल्विन मत बोलना मेरे भाई, मीटर केल्विन, यहाँ पे देख के ही मैंने बनाया हुआ है। तो याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपकी जीनिट के एग्जाम के लिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। लेमड़ा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि भाई एक बढ़ेगा मेरे भाई, थोड़ा दिमाग चला, ये कॉन्स्टेंट कब मिलेगा?
एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होना चाहिए उतना ही। तो क्या होगा, आपको इसका मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट मिलेगा, दैट इज 2.9 N·3 m·K। ठीक है, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं प्रैक्टिकल, कि जो रोल्ड को आप लोग गर्म करोगे तो उसका आपको किस तरह से कलर मिलेगा। फिर हम लोग दो एग्जाम्पल सन और मून के लिए पढ़ेंगे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्यों कहला, भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो वेवलेंथ होगा भाई, उसके एमिसिव पावर के मुताबिक, देखो यहाँ पे उसका एमिसिव पावर इस ग्राफ के लिए, इसका एमिसिव पावर यहाँ पे क्या होगा, देख लो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर होगा, यहाँ पे इसका एमिसिव पावर इतना होगा। ठीक है, देख लो जो आपके आंख में आएगा और आपको वो कलर दिखेगा, तो उसका मैं चलो आपको स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूँ। ओके, व्हाइट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, यू कैन सी क्लियरली एज वी इंक्रीज टेम्परेचर वेवलेंथ विल डिक्रीज, वेवलेंथ विल डिक्रीज, यू कैन क्लियरली सी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 3000 से 4000 क्या वेवलेंथ इस तरह आई, देखो डिक्रीज हुई, डिक्रीज एंड शिफ्टेड टू लेफ्ट, सो दैट इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लॉ। बस मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया, देखो लेफ्ट साइड वो शिफ्ट हो रही है, की चीज आपको ठीक करनी है। ठीक है, समझ में पूरा गया, लेकिन एक ही चीज ठीक करनी है, कोई अगर आपको पूछे, ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ये रीजन नहीं पता होगा, ठीक है, व्हाइट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर आपको कोई पूछे भाई इसे डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों बोला जाता है, आप लोग आंसर बताओगे इस ग्राफ के जरिए, कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो T5, T4, T3 6000 तक, तो उसका वेवलेंथ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो क्या बताने जा रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका टेम्परेचर कम होगा, राइट, और वो हमेशा उसका मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट होगा इतना, रेडी। चलो अब हम लोग प्रैक्टिकल बात करें और भी थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ, आप लोग टिक कर लेना, कि हिटिंग द आयरन पीस, जैसे जैसे आप लोग आयरन पीस को हिट करोगे तो क्या होगा, उसका सबसे पहले कलर होगा यस रेडिश पेन, फिर होगा, देखो आपकी बुक में दिया हुआ येलो ग्रीनिश, उसमें जो कलर दिया हुआ है वही मैं लिख रहा हूँ, या तो ग्रीनिश येलो, ठीक है, आप लोग लाइन में कैसे कलर लिख सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे याद रखोगे, यस ग्रीनिश येलो, और भी आप लोग गर्म करोगे तो वो आपको व्हाइट जैसा दिखेगा। चलो मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ किस तरह से आगे बढ़ोगे। आप लोगों ने टेंथ में प्रिज्म स्टडी किया हुआ है, प्रिज्म में आप लोग 7 कलर स्टडी करते थे, कौन से, विब्योर, याद कीजिए विब्योर, विब्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ओके ऑरेंज एंड रेड। अब आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोग याद रखें, याद कीजिए विब योर, ओके। चलो भाई आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो पहले उससे क्लियर कर लो, तो आपको फिजिक्स का ये कंसेप्ट समझ में आएगा, कि इस तरह जाओगे ना तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए इंक्रीज होगा, ठीक है, इसका वेवलेंथ क्या होगा मेरे भाई, सबसे कम होगा, वो आपको पहले नॉलेज होना चाहिए, और रेड का जो कलर होगा वो, सॉरी इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो समझ में आ गया, तो सबसे पहले आप लोग ब्लैक बॉडी को गर्म करोगे तो उल्टा होगा,
ठीक है, यहाँ पे वो टेम्परेचर क्या बताएगा, रेड कलर के लिए टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम बताएगा, और वायलेट के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर ब्लू की बात करें, ऑलमोस्ट हम लोगों को ब्लू से आगे कलर नहीं दिखने मिलना, ब्लू तक हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे भाई कि टेम्परेचर ऑफ ब्लू क्या मैं लिख रहा हूँ, देखो टेम्परेचर ऑफ ब्लू कलर मतलब रोड का कलर जो आपको ब्लू दिखे, तो समझ लेना कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा जो रेड दिखे उससे। क्यों भाई? बिकॉज लेमडा ऑफ ब्लू इज लेस देन लेमडा ऑफ रेड, ठीक है। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट याद रखना है लेमड़ा वाला, क्योंकि वो 10th में भी स्टडी कर चुके हैं, उससे आप लोगों को ये बनाना है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग जब उसे गर्म करोगे तो स्टार्टिंग में आपको एकदम रेड दिखेगा, फिर वो अपना कलर चेंज करेगा। देखो पहले रेड दिखेगा, फिर ग्रीनिश येलो, देखा ग्रीनिश येलो मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ ये हाइस्ट थी ना, उससे थोड़ी कम हुई। देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा तो उसका कलर आपको उसकी वेवलेंथ कम मिली, और फिर व्हाइट मतलब ऊपर जो जाओगे ऐसे ऐसे कलर चेंज होता जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं उसके एग्जाम्पल्स की, जो आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखने, ठीक है, याद नहीं रखना है, चले प्रैक्टिकली बहुत ही काम आएगा। हाँ आपको पूछा जाएगा, या तो आपको डाउट हो कि सर मुझे क्वेश्चन है कि विंस डिस्प्लेसमेंट लो मुझे कहाँ पे काम आता है, तो सिंपल रीजन है भाई कि एस्ट्रोनॉमिकल या तो एस्ट्रो फिजिक्स के अंदर ये जो स्टार मून सन उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली जो बताया जाता है, वो इस लो से उसकी वेवलेंथ उसका कलर जो हमारे तक पहुंच रहा है, उसका वेवलेंथ पहुंच रहा है, उसके मुताबिक उसकी सरफेस का टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है, मून के लिए, सन के लिए, और अदर स्टार्स के लिए, और हर एक बॉडी के लिए आप लोग उसका टेम्परेचर डिसाइड कर सकते हो। हाँ नजदीक में जो बॉडी होगी वहां पे तो आप लोग थर्मोमीटर भी रख सकते हो ना, लेकिन जहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, आप लोग थोड़ा दिमाग चलाइए, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो आप लोगों को इस लो का एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। चलो तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि मून के लिए जो आपको वेवलेंथ मिलेगी मेरे भाई, हाँ मून के लिए कई सारी वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है, मैंने क्या बताया था, लेकिन जो मैक्सिमम वेवलेंथ उसमें से निकल रही है, जो हमारी तक पहुंच रही है, वो आपको बताई गई है 14 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब हम लोग इस लो को अप्लाई करते हैं जो आपको एमसीक्यू में काम आएगा, 14 माइक्रोमीटर। तो अब मेरे भाई क्या होगा, देखो फ्रॉम विंस लॉ, चलो हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्रॉम विंस लॉ, यू ऑलरेडी नो लेमड़ा मैक्स। अब समझ में आएगा यहाँ पे हम लोग लेमड़ा एम क्यों लिख रहे हैं, कि लेमड़ा तो कई सारी होगी, मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया उसका दूसरा पॉइंट कि लेमड़ा कई सारी होगी, कंटिन्यूसली होगी, उसमें से जो मैक्सिमम वाली होगी उसकी हम लोग बात करेंगे, उसका टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा, याद कीजिए भाई, कॉन्स्टेंट था ना, और वो कितना कॉन्स्टेंट था याद कीजिए, 2.9 × 10⁻³, ठीक है। चलो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर उसका मून की सरफेस का, क्या करोगे देखिए, 2.9 × 10⁻³, ठीक है, और लेमड़ा मैक्स कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर, वो कितना लिया हुआ है, 14 × 10⁻² माइक्रो, मतलब कितना होगा 10⁻⁶। जब आप लोग इसे सोल्व करोगे तो आप लोग अराउंड 207 केल्विन मिलेगा, आप लोग ट्राई कर लेना, आपकी टेक्स्ट बुक में अराउंड कितना दिया हुआ है, 200 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली सब बात हो रही है। अरे मेरे भाई अप्रोक्सीमेटली तो सही, लेकिन आप लोगों ने उसका टेम्परेचर तो निकाला ना, वो भी एक बड़ी बात है ना, यहाँ से बैठे बैठे उसका टेम्परेचर तो आप लोगों ने निकाल दिया, तो ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलो और भी एग्जाम्पल, और भी एक एग्जाम्पल फॉर सन, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सन में से जो वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ जो निकलेगा उसका ज्यादातर वेवलेंथ जो आपको दिखने मिलेगा वो होगा 475। देखो जो आप लोगों को विजिबल है ना, हमारी आंख के लिए विजिबल है, 4000 से लेके 7-8000 तक हम लोग देख सकते हैं, वो वही रेंज हुई ना विजिबल रेंज, ठीक है। चलो अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ कि लेमड़ा मैक्स इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये फिक्स ही रहेगा, 2.9 × 10⁻³। चलो तो उसके हिसाब से मुझे टेम्परेचर ऑफ सन मिल जाएगा कि नहीं, 2.9 × 10⁻³, लेमड़ा मैक्स कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, ठीक है, 4753 × 10⁻¹० ये आप लोग सोल्व करोगे तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 6101 केल्विन, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में अप्रोक्सीमेटली दिया होगा मेरे ख्याल से, देखो आप लोग 6000 केल्विन के आसपास दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग उसे अप्रोक्सीमेटली समझना, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है।
ये समझने के लिए। और अगर लिखना चाहो तो ये याद रखना थोड़ा टफ रहेगा, ये याद रखना इजी रहेगा, 14 माइक्रोमीटर। तो आप लोग इस कॉन्स्टेंट की मदद से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट। चलिए अब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट लो क्या होगा, कंप्लीट होगा। लास्ट में आपकी टेक्स्ट बुक में एक मस्त स्टेटमेंट दिया होगा इस लो के, ठीक है, उससे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था और आज करवाया उसका मिक्सिंग करते हैं। आप लोगों को याद ही होगा भाई, रेडिएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी ब्लैक बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी, कोई भी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब कि कोई भी बॉडी है दुनिया की, ठीक है। यस, रेडिएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बॉडी जो एक सामान्य बॉडी होगी, ऑर्डिनरी बॉडी विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ बॉडी, और कैसे द नेचर ऑफ बॉडी, उसका नेचर कैसा है, उसका टाइप कौन सा है, कौन सी बॉडी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है ना यार, कोई भी सोच लीजिए आप लोग, ये बोर्ड, ये पेन, मार्कर, आपका बॉडी, आपके क्लोथ, कुछ भी सोचिए आप लोग, उसका उसे आप लोग बोल सकते हो ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक है। उसका टेम्परेचर, उसका रेडिएशन, सॉरी, इस पे डिपेंड करेगा। एक तो टेम्परेचर पे, कौन सा टाइप है, ठीक है, क्लॉथ का अलग रेडिएशन होगा, बोर्ड का अलग होगा, हर एक चीज का अलग होगा ना। लेकिन अब ध्यान रखना, लेकिन बट यू कैन सी क्लियरली हियर स्टेटमेंट की मदद से। यहाँ पे देखो जो रेडिएशन हो रहा है उसका वेवलेंथ, रेडिएशन मतलब क्या होना, वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी का बाहर निकलना, और सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी उसके मास की, उसके एरिया की नहीं दिख रही। देखो यहाँ पे कहीं भी आपको एरिया, उसका मास, उसका लेंथ, उसका डायमेंशन, उसका शेप कुछ दिख रहा है तो आपको एमसीक्यू में क्या आएगा ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट। बट रेडिएशन फ्रॉम, बट रेडिएशन फ्रॉम परफेक्ट ब्लैक बॉडी, बट रेडिएशन फ्रॉम परफेक्ट ब्लैक बॉडी ओनली, यहां पे ध्यान रखना भाई, ओनली डिपेंड ऑन, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो आपको इस इक्वेशन में लिखा, ठीक है। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात की, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्स्ट्रा में सीखा था, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी, ओनली इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इट इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ, और टेम्परेचर को दुनिया को, हाँ, और टेम्परेचर तो दुनिया की हर एक बॉडी को होगा, ऐसी कोई बॉडी नहीं जिसके पास टेम्परेचर नहीं होगा। उसका मतलब उसमें से जो रेडिएशन होगा उसमें, अगर आप लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करो तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सो रेडिएशन इज, रेडिएशन ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, रेडिएशन ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज यूनिवर्सल इन नेचर, वो यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूं, सपोज मेरे पास अलग अलग पांच परफेक्ट बॉडी मैंने बनाई हुई या तो है, ठीक है, तो ये पांचों का जो कंसेप्ट होगा, उसका जो रेडिएशन होगा मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। इट इज यूनिवर्सल लॉ। तो इसकी वजह से हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी को स्टडी करते हैं, ऑर्डिनरी बॉडी को नहीं। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए रेडिएशन सेम होगा ऐसा नहीं बोला जा सकता, इट इज नॉट यूनिवर्स। बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब जो हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देगी, ठीक है, उसके लिए उसका जो लो होगा, उसका रेडिएशन वो यूनिवर्सल होगा। तो फिर आप लोग आपके लेबोरेटरी में कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाओ, या आप लोग सन की बात करो, सन भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो दोनों के लिए आपको रेडिएशन सेम मिलेगा। इसका मतलब इट इज यूनिवर्स, इसलिए हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्टडी करते हैं, जो आप लोगों को कई सारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में काम आता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में इस फ्लो को कंप्लीट किया। कुछ आपको विचार आए, कुछ आपको डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, और आप लोग टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से टिक कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।